तो बाबा कहते हैं कि धन बड़ा कि कर्म बड़ा, तो क्या बड़ा? कर्म। बाबा का नाम क्या है? अंधराचार्य जी। अच्छा, मतलब पहली बार देख रहे हैं क्या? बाबा ये भी कहते हैं कि मतलब स्त्रियों को ज्यादा सुंदर होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। अगर कोई स्त्री ज्यादा सुंदर है तो उसकी गलती तो नहीं है। ये भी बाबा कहते हैं कि जो लड़की होती है, मतलब कोई भी महिला हो, कपड़ा पहनना चाहिए तो शरीर ढकना चाहिए, लेकिन आजकल के जो लड़की होती है वो मतलब शरीर ढक के कपड़ा नहीं पहनते। प्रवचन, प्रवचन सुन रहे, कथा सुन रहे जी। अच्छा, बाबा का नाम जानते हैं? हाँ, अनुराधा चार। अच्छा, कभी सुने थे बाबा को? सुने थे, हम लोग टीवी पर देखते हैं। टीवी पर देखते हैं जी। बाबा कहते हैं कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? धर्म बड़ा। धन बड़ा कैसे? धर्म बड़ा कर्म बड़ा। कर्म बड़ा कैसे? कर्म बड़ा। नमस्कार दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी समस्तीपुर में है और अभी समस्तीपुर के उदयपुर गांव में डॉक्टर श्री अनुराधाचार्य का भगवत कथा हो रहा है। 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ये कथा चलेगी और देख सकते हैं कि महिलाओं पे ज़्यादा कथा बोलते हैं बाबा, और महिलाओं की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं आए हुए हैं, क्योंकि महिलाएं पे बहुत सारा कथा बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल चलता है, खास के बाबा का जो कथा होता है सोशल मीडिया पे महिलाओं के लेके काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो थोड़ा सा महिलाओं से जानने के प्रयास करते हैं कि कथा सुन के मतलब क्या सीखते हैं महिला, थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम हुआ? बेबी देवी। कहाँ से आए? बंदवार से, बेगूसराय। बंदवार से, बेगूसराय से। क्या करने के लिए? कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए। कथा में क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? जो बाबा बोल रहे हैं सुन रहे हैं। बाबा का नाम क्या है? अंधराचार्य जी। अच्छा, मतलब पहली बार देख रहे हैं क्या? ना, एक बार दरभंगा जिला भी गए थे। दरभंगा जिला में देखे थे? एक बार आए थे। एक बार दरभंगा जिला में आए हुए थे, दूसरी बार यहाँ? दूसरी बार यहाँ। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि धन बड़ा कि कर्म बड़ा, तो क्या बड़ा? कर्म बड़ा। धन बड़ा नहीं, कर्म बड़ा। कर्म बड़ा कैसे? कैसे कर्म बड़ा कैसे होता है? धन बड़ा सबसे बड़ा कर्म बड़ा होता है, इसलिए कि कर्म करो तो अच्छा फल, करो तो अच्छा फल करो। धन तो बड़ा नहीं, धन इधर आता है इधर चल जाता है, इसलिए धन बड़ा होता है, कर्म बड़ा होता है। ठीक है, बाबा ये भी कहते हैं कि मतलब स्त्रियों को ज्यादा सुंदर होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्त्री ज्यादा सुंदर है तो उसकी गलती तो नहीं है? गलती तो नहीं है उसकी। तो फिर बाबा ये क्यों कहते हैं? बाबा ये बने क्यों कहते हैं? अच्छा, चलिए फिर आइए, थोड़ा सा आइए, इधर आके जाने के प्रयास करते हैं। देख सकते हैं काफी संख्याओं में महिलाएं आए हुए हैं और धूप भी काफी ज्यादा है, गर्मी भी काफी ज्यादा लग रही है, और दूर दूर से यहाँ पे महिलाएं आती है कथा सुनने के लिए काफी संख्या में। क्या नाम हुआ आंटी? क्या नाम हुआ? निर्मला देवी। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं प्रवचन। प्रवचन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं जी। अच्छा, बाबा का नाम जानते हैं? हाँ, अनुराधाचार्य। अच्छा, कभी सुने थे बाबा को? सुने थे, हम लोग टीवी पर देखते हैं। टीवी पर देखते हैं जी। अच्छा, कुछ सीखे हैं कि नहीं बाबा? हाँ, सीखे हैं। क्या सीखे? ये प्रवचन सुन रहे हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? धर्म बड़ा। धन बड़ा कैसे? धर्म बड़ा कर्म बड़ा। कर्म बड़ा कैसे? कर्म बड़ा कर्म करेंगे तब ना धन मिलेगा। अच्छा, स्त्रियों के लेके काफी ज्यादा बाबा बोलते रहते हैं, कहते हैं कि गलती करवाते हैं, कहते हैं कि समझाते हैं। हाँ, समझाते हैं। ये भी कहते हैं कि सीता जो ज्यादा सुंदर थी तो मतलब महिलाओं को ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कोई महिला ज्यादा सुंदर है तो महिला की तो गलती नहीं है? नहीं, भगवान बनाए हैं। भगवान बनाए। तो फिर बाबा ये क्यों कहते हैं? पूछिए बाबा से। पूछिए बाबा से। बाबा से पूछे जी, सवाल कीजिए बाबा से। चलिए और इधर आइए। नाम हुआ? पुष्पा मिश्रा। क्या करने के लिए आए? घूमने के लिए। घूमने के लिए। इधर इधर इधर। क्या नाम हुआ? अनिष्का मिश्रा। कहाँ से आए? बाबा का नाम क्या है? बाबा अभी जो कथा सुना रहे हैं, क्या नाम है बाबा? अनुराधाचार्य। अनुराधाचार्य। अच्छा, कभी देखे थे? फोन में देखे। फोन में? फोन में कहाँ? यूट्यूब पे। सुनते थे? हाँ। क्या सुनते थे? कथा। कथा कुछ सीखे हैं कथा से कि नहीं? नहीं सीखे हैं, कुछ भी नहीं सीखे। अच्छा, किसके साथ आए? किसी के साथ नहीं, अकेले। अकेले यहीं पे घर है? नहीं, दामोदरपुर में हूँ। अकेले कैसे आ गए? भैया है ना हम लोग के साथ। अच्छा, भैया आइए थोड़ा।
तो आइए देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, बात करने के प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपको? क्या नाम हुआ? रूपा देवी। क्या कर रहे हैं? खाना पीना बनाते हैं किसान। यहाँ 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 महात्मा जी को देखे आलिए। ज्यादा सुनने आए जी? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कभी सुने थे बाबा का? ना, प्रथम बार। फर्स्ट टाइम। धर्मशीला देवी। धर्मशीला देवी। अच्छा, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, उनको देखने के लिए आए थे। क्या नाम है बाबा? अनिरुद्ध आचार्य। क्या देखने के लिए? देखने सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा मतलब महिलाओं को लेके काफी ज्यादा मतलब कथा में कहते हैं और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल चलता है। बाबा कहते हैं कि महिलाओं को अति सुंदर होना नहीं चाहिए। नहीं, हाँ सही बात है। अच्छा, कोई महिला अगर अति सुंदर है तो महिला की तो गलती नहीं? अति सुंदर तो भगवान का बनाया हुआ है। तो फिर बाबा क्यों कहते हैं? नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, भगवान का बनाया रूप है तो किसी को नहीं कहना चाहिए सुंदर सुंदर है चाहे कुछ नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। ये भी बाबा कहते हैं कि जो लड़की होती है मतलब कोई भी महिला हो, कपड़ा पहनना चाहिए तो शरीर ढकना चाहिए, लेकिन आजकल के जो लड़की होती है वो मतलब शरीर ढक के कपड़ा नहीं पहन। नहीं तो ये तो सही कह रहे हैं, शरीर ढक कर चलना चाहिए। जैसे हम लोग के अति है जो नारी को शरीर ढक कर चलता है तो उसी के भला होता है, तो ढक कर चलना चाहिए। ये बात सही कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या सीखे हैं बाबा से, कुछ बताइए। हम तो बाबा से नहीं कुछ सीखे हैं, जो बात है सब। अच्छा। हम तो बोल दिए थे ना, जो प्रेम रावत जी का हम उनका अति है, भक्त है। अच्छा, कौन बड़ा की धर्म बड़ा? धर्म बड़ा है। कैसे धर्म बड़ा? धर्म जो हम करते हैं ना, उससे हमको धर्म करते जाते हैं तो उससे हमको प्रगति होता है, जैसे आगे का प्रोग्रेस होता है। मेरा माने संस्कार उससे, जैसे हम लोग धर्म करते हैं तो उससे संस्कार बनता है। धर्म से ही ना, धर्म करेंगे तो संस्कार बनेगा, अधर्म कर्मे नहीं करेगा तो संस्कार कैसे बनेगा। तो धर्म करना पहले जरूरी है। तो सबसे पहले धर्म बड़ा है, तभी कर्म बड़ा, तब कर्म। हमको अपना अनुभव से, अनुभव से कहते हैं, सबसे पहले धर्म। तो बाकी अगर आप बाबा का कथा सुनना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि अभी बाबा 11 अक्टूबर तक ये कथा सुनाएंगे। बिहार के समस्तीपुर जिला उदयपुर गांव में ये कथा चल रही है और आज पहला दिन है, 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ये कथा चलेगी।